भाई ऐसा लगता है कि अब इस स्टेज पर आखिर कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कौन कम पॉपुलर है, कौन एवरेज है, किसके शो को क्या टीआरपी मिल रही है, वो काफी हद तक उनकी पॉपुलैरिटी पर भी डिपेंड करता है। इस वक्त चलिए मैं आपको बताने आ गई हूँ कि आखिर कैसे फैंस को ये लग रहा है कि अंकित गुप्ता धीरे धीरे इतना राइज कर रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो तेजस्वी प्रकाश पर और बाकी सब लोगों पर फीकी पड़ती नजर आ रही है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं ज्योति नाहक। इस वक्त सोशल मीडिया पर टीआरपी की लिस्ट आउट हो चुकी है। जी हाँ, देखिए हर थर्सडे आता है और हर थर्सडे को मैं बताती हूँ ऑफ कोर्स क्या कुछ टीआरपी जो है वो सामने आई है। ओवरऑल टीआरपी हमने अपने चैनल पर आपको ऑलरेडी बताया है, वो आप देख सकते हैं वीडियो जाकर। इस वक्त मैं कलर्स की जो सीरियल्स हैं उनकी टीआरपी लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो दो सबसे टॉप पर हैं, जी हाँ जो दो सबसे ज्यादा, इनफैक्ट तीन हैं जो इस शो को सबसे ज्यादा चला रहे हैं, वो क्या है चलिए मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज अगेन। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और जो भी वीडियो के बारे में आपको कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि देखो, एक तरफ नागिन है और एक तरफ जुनूनियत है, और एक तरफ तिरिश्क में घायल है, एक तरफ धर्मपत्नी है। तो बहुत सारे ऐसे फैबुलस सेलिब्रिटीज हैं सोशल मीडिया पर जो इस वक्त ना सिर्फ ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक यहाँ पर छाए हुए हैं, बल्कि वो लोग इनफैक्ट यूट्यूब ना सिर्फ यहाँ पर छाए हुए हैं बल्कि टेलीविजन पर भी यही लोग छाए हुए हैं। मैं आपको एक एक करके सबकी टीआरपी बताती हूँ। सबसे कम टीआरपी के साथ इस वक्त जो शो चल रहा है वो है सावी की सवारी और अग्नि साक्षी, दोनों को इक्वल टीआरपी है, वो है 0.6 की टीआरपी। उसके बाद तेरेश्क में घायल 0.7 की टीआरपी, यानी कि सेकेंड लोएस्ट टीआरपी है तेरेश्क में घायल की। फिर आती है जो टीआरपी है वो है तेरेश्क में घायल एंड सुहागन, दोनों की 0.7 है। उसके बाद इस लिस्ट में आते हैं बेकाबू और जुनूनियत, जी हाँ, यानी कि 1.1 की टीआरपी के साथ। सो शालीन भनोट और अंकित गुप्ता और गौतम सिंह विग, ये तीनों लोग जो हैं 1.1 की टीआरपी के साथ स्टेबल हैं। धर्मपत्नी 1.2 की टीआरपी है, और वहीं 1.3 की टीआरपी तीन शोज लेकर भागे हैं। फर्स्ट है उड़ारियां, सेकंड है परिणीति और थर्ड है नागिन सिक्स। सो नागिन सिक्स जो है वो सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन अगर उसका कोई है तो उड़ारियां है। देखो उड़ारियां एक ऐसा शो है, आई थिंक सरगुन और रवि हैज डन अ फैबुलस जॉब, बिकॉज उड़ारियां जब प्रियंका अंकित थे तब भी सक्सेसफुल शो था और अब भी सक्सेसफुल शो है। तो ऐसे में डेफिनेटली फैंस को ये लगता है कि अगर तेजस्वी के शो को कोई टक्कर दे रहा है इस वक्त तो वो और कोई नहीं बल्कि धर्मपत्नी है। जी हाँ, क्योंकि नागिन सिक्स की टीआरपी है 1.3 और धर्मपत्नी की 1.2। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस शो के मेकर्स का जो फैसला था शो कंटिन्यू करने का और एक्सटेंड करने का, आई थिंक फैंस ने अपनी तरफ से भी ये बता दिया है कि भैया हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी एक्सटेंड करने के लिए, आपने एक्सटेंड कर दिया, सो थैंक यू सो मच। सो अब फैंस आप लोग क्या कुछ इस बारे में कहना चाहोगे, तेजस्वी वर्सेज फहमान खान, इस पर क्या है आपकी राय बताइएगा।